फ्रेंड्स, एच के कूल ज्ञान चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम कक्षा 12 के हिंदी विषय का पहला काव्य कृष्ण भक्ति, इसे हम आसान भाषा में समझेंगे। तो ऐसे ही एजुकेशनल और जनरल नॉलेज के वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए हमारी एच के कूल ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो चले आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। काव्य को समझने से पहले हम मीराबाई के जीवन के बारे में थोड़ी बात करेंगे, क्योंकि तुम्हारी एग्ज़ाम में कवि परिचय में से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो मैंने यहाँ 4-5 प्रश्न IMP निकाले हैं। उसमें आपका पहला प्रश्न है कि मीराबाई की शादी किससे हुई थी। तो आपका उत्तर है, मीराबाई की शादी मेवाड़ के महाराणा सांगा के कुंवर भोजराज से हुई थी। आपका दूसरा प्रश्न है कि मीराबाई का स्वर्गवास कहाँ हुआ था, यानी मीराबाई की मृत्यु कहाँ हुई थी। मीराबाई राजस्थान की थी, तो ज़्यादातर बच्चे राजस्थान का ही लिख देते हैं, लेकिन उनका उत्तरार्ध यानी पीछे का जीवन गुजरात के द्वारका में निकला था, तो इसलिए मीराबाई की मृत्यु गुजरात के द्वारका में हुई थी। अब हम इस कविता में मीराबाई के दो पद देखेंगे। तो ये दोनों पदों में हम एक बात देखेंगे कि मीराबाई के इन पदों में राजस्थानी ब्रज और गुजराती भाषा का मिश्रण पाया जाता है, क्योंकि मीराबाई का जन्म जवानी राजस्थान में और उनका उत्तरार्ध यानी पीछे का जीवन गुजरात के द्वारका में भी था, तो उनके पदों में गुजराती और राजस्थानी ब्रज भाषा का मिश्रण देखा जाता है। ये हम तो चलो मीराबाई का पहला पद है उसे समझते हैं। इस कविता में हम देखेंगे जो मीराबाई का पहला पद है उसमें मीराबाई ने कृष्ण के वियोग से जो तड़प हैगी वो तड़प को शब्दों के द्वारा पहले पद में प्रकट किया है। तो चलो पहला पद को समझते हैं। शुरुआत में ही मीराबाई कहती है, हरि बिन कछु न सुहावे। आप यहाँ देख सकते हैं कछु, सुहावे, ये सब गुजराती और राजस्थानी मिक्स शब्द हैंगे। तो मीराबाई कहती है कि हरी के बिना कुछ अच्छा लगता नहीं है। आगे की पंक्ति में मीराबाई कहती है, परम सने ही राम की नीति ओलूरी आवे। ओलूरी आने माफी। तो मीराबाई कहती है कि मुझे तो मेरे परम स्नेही कृष्ण की नीति, उनके साथ रहना, उनकी भक्ति करना ही मेरे लिए माफी है। राम हमारे, हम हैं राम के, हरि बिन कछु न सुहावे। मीराबाई कहती है, हे, यहाँ राम शब्द है वो भी कृष्ण के लिए यूज किया है। तो मीराबाई कहती है, राम हमारे, हम राम के हैं, यानी हम कृष्ण के हैं और कृष्ण हमारे हैं, और कृष्ण के बिना, हरि के बिना मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। आगे की पंक्ति में मीराबाई कहती है कि आवण कह गए अजहू न आए, जीवड़ा अति उकलावे। यहाँ आप देख सकते हो अजहू यानी अभी भी, यानी आवण यानी आना, ये सब गुजराती और राजस्थानी। तो मीराबाई क्या कहती है कि हे कृष्ण, हे हरि, आपने आने का वादा किया था और अभी तक आप आए नहीं है। जीवड़ा अति उकलावे, यानी आपके दर्शन ना होने के, आपके न आने से मेरा मन है बहुत दुखी हो गया है। आगे की पंक्ति में मीराबाई कहती है, तुम दर्शन की आस रमैया, कब हरि दर्शन दिलावे। हे कृष्ण, अब तो आपके दर्शन की एक उम्मीद पर ही मैं जिंदा हूँ, आप कब मुझे दर्शन दोगे, मुझे आपके दर्शन जल्दी करने हैं। आगे की और आखिरी दो पंक्ति में मीराबाई कहती है, चरण कमल की लगनी लगी नित, बिन दर्शन दुख पावे। हे कृष्ण, हे हरि, आपके चरण कमल की लगनी लगी है, हे कृष्ण, आपके दर्शन के बिना मेरा, मुझे बहुत दुख हो रहा है, मैं बहुत दुखी हूँ। मीरा आगे कहती है कि आपके दर्शन के बिना मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। और आखिरी पंक्ति में कहती है, मीरा को प्रभु दर्शन दीजियो, आणन बढ़ियो न आवे। मीराबाई कहती है, हे कृष्ण, हे हरि, जल्द से जल्द मुझे आपके दर्शन दीजिए, और आपके दर्शन जब होंगे वो आनंद मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद होगा। तो इस तरह पहले पद में हम देखें तो मीरा कृष्ण के वियोग में तड़पती है और उसके भाव को उसने शब्दों के द्वारा पहले पद में प्रस्तुत किया। हमारा दूसरा पद देखते हैं। दूसरा पद खास है तुम्हारे लिए, क्योंकि परीक्षा में भी, आपकी एग्जाम में भी 5 मार्क्स का प्रश्न पूछा जाता है कि व्रज में कृष्ण द्वारा होली खेलने का वर्णन कीजिए। तो ये पूरा जो दूसरा पद है मीरा का, उसमें मीराबाई ने कृष्ण किस तरह होली खेल रहे हैं वो सब बातों को बताया है। तो चलो हम दूसरा पद शुरू करते हैं। पहली पंक्ति में मीराबाई कहती है, होरी खेलत है गिरधारी।
इस दूसरे पद में आप खास एक चीज़ देखना कि यहाँ पर मीराबाई ने कृष्ण के लिए अलग अलग नाम बताए, जो कृष्ण के बहुत सारे नाम होंगे लाखों में, उसमें से यहाँ उसने 5 नामों को लिया है। और ये भी एक आपका खास प्रश्न बनता है कि कृष्ण भक्ति पद में मीराबाई ने कृष्ण को कौन कौन से नामों से संबोधित किया है। तो यहाँ आप मैंने अंडरलाइन किया, आप देख सकते हो कोई ये पूरे पद में मीराबाई ने कृष्ण के लिए गिरधारी, मोहन, बिहारी, कान्हा, मोहनलाल, ये सब शब्द होंगे वो कृष्ण के लिए होंगे। तो चलो हम पद को समझते हैं। पहली पंक्ति में मीराबाई कहती है, होरी खेलत है गिरधारी, यानी गिरधर यानी कृष्ण हरी होली खेल रहे हैं। मुरली चंग बजत डफन्यारो संग जूती ब्रजनारी, एक तरफ कृष्ण मुरली बजा रहे हैं, बराबर सब जो व्रज की गोपियाँ वो सब उन्हें घुटों पर मुरली रखकर मुरली बजा रहे हैं। तो एक तरफ चंग और डफ, ये शब्द भी आपके पूछे जाते हैं। चंग याने चंग का मतलब है चमड़ा मढ़ा हुआ एक बाजा जो हाथ से बजाया जाता है, और दूसरा शब्द आया था डफ, और डफ याने ये भी चमड़ा मढ़ा हुआ ही एक बाजा है लेकिन इसको लकड़ी से बजाया जाता है। तो आगे क्या कहती है मीराबाई के चारों कृष्ण मुरली बजा रहे, एक तरफ चंग बज रहा है, एक तरफ डफ बज रहा है, और ऐसी सुरीली आवाज में कृष्ण के साथ सब गोपियाँ और राधा होली खेल रही है। चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी, बिहारी यानी कृष्ण, मोहन यानी कृष्ण। तो कृष्ण होली में अपने हाथ से चंदन और केसर हाथों में लेकर वो गोपियाँ और राधों के ऊपर छिड़क रहे हैं। आगे क्या कहती है मीराबाई, भरी भरी मुठिया गुलाल लाल चहु देत सब पे डारी, कृष्ण आएंगे वो अपने हाथों में लालों को हाथों में लेकर सब गोपिया और राधा के ऊपर एक गुलाले वो डाल रहे हैं। मीराबाई आगे कहती है, छेल छबीले नवल कान्हा संग श्याम प्राण प्यारी, होली का खेल शुरू है, बराबर जो कृष्ण छेल छबीले यानी उनके ऊपर भी अलग अलग कलर के रंग लग पड़े हुए हैं, इसलिए उनकी सुंदरता में और बढ़ावा हो जाता है। और ऐसे छेल छबीले सुंदर कृष्ण बराबर कान्हा अपनी प्राण प्यारी अपनी राधा के साथ इस तरह होली खेल रहे हैं। गावत चार गमार राग त दे दे कल करतारी, चारों तरफ जो धमा रागेगा जो होली में गाया जाता है वो चारों तरफ उसका राग है, वो गीत है, वो गाया जा रहा है, और सब करताल करताल को भी कृष्ण और सब बजा रहे हैं। आगे कहती है मीराबाई, फागु जो खेल यो रज ब्रज भारी, ये फागु के महीने में ये होली खेली जाती है, सब गोपियाँ रसिक और सांवरी गोपियाँ बराबर ये होली खेल रही है, एक दूसरे के ऊपर जो गुलाल है वो डाल रही है, इसके लिए पूरा जो ब्रज का वातावरण है चारों तरफ गुलाल ही गुलाल दिख रहा है। और पद की आखिरी पंक्ति में मीराबाई कहती है, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर मोहन लाल बिहारी, बस गिरधर यानी गिरी को यानी पर्वत को धारण करने वाला, यानी हमको पता है कि भाई जब बाढ़ आई थी बहुत बारिश हुई थी तब कृष्ण ने गोवर्धन नाम के पर्वत को उचक लिया था। तो मीरा कहती है, मेरे तो प्रभु गिरिधर है जिन्होंने पहाड़ पर्वत को भी उचक लिया था, नागर मोहनलाल बिहारी, ऐसे में बिहारी ऐसे कृष्ण की मैं दासी हूँ। इस तरह यह हम देख सकते हैं कि पूरे कृष्ण भक्ति के दोनों पदों में अलग अलग बात की, कृष्ण के वियोग में राधा की जो तड़प है कि मीरा की वो तड़प को बताया गया है, और जो दूसरा पद हैगा उसके अंदर कृष्ण राधा और गोपियाँ किस तरह होली खेल रही है इस बात को बताया गया है। तो आपका शुक्रिया कि आपने पूरा वीडियो देखा, इसलिए आप सबका थैंक्स।